गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको पता चल ही चुका होगा कि आपके एग्जाम है ऑन कमिंग 20 अगस्त। ओके, तो मैं ऑलरेडी आपको 3 चैप्टर का आपका बता चुका हूँ। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आएगा चैप्टर। ओके, आपका 25 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 5 मार्क्स आपको नोटबुक को प्रोवाइड की जाएंगे। ओके, सो यू शुड केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपको वर्क कंप्लीट करना और टाइमली उसको सबमिट करना है। ओके, अब नया चैप्टर चालू करेंगे इस लेक्चर में हम। तो आपका जो न्यू चैप्टर है वो है माय डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला। हिंदी में इसको जिला कहते हैं, गुजराती में पता नहीं मुझे क्या कहते हैं इसे। ओके, तो पहले मैं बता दूं जिला क्या होता है। एक जिला, देखिए आपका एक कंट्री होता है। क्या होता है? एक कंट्री होता है, जैसे इंडिया एक कंट्री है। कंट्री आपका डिवाइडेड होता है स्टेट्स में, और स्टेट्स डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में। किस में डिवाइड होता है? डिस्ट्रिक्ट में। मीन्स पहले आपका क्या आएगा? कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट्स, और स्टेट्स किस में डिवाइड होता है? डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो सुरेंद्र नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सुरेंद्र नगर, और सुरेंद्र नगर क्या है? गुजरात में। तो इंडिया आपका क्या हो गया? तो गुजरात आपका क्या हो गया? स्टेट हो गया, और सुरेंद्र नगर क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और हमारे टोटल कंट्री में 729 या इसके अराउंड ही, मोर देन 700 से ज्यादा आपके क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो इस चैप्टर में हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपके सुरेंद्र नगर के बारे में पढ़ेंगे। मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन सुरेंद्र नगर के बारे में, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ, पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा है, स्टडी किया है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। बाकी आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। ओके, तो यू मे यूजुअली गो ऑन टूर, आप कई बार टूर पर जाते हैं। यू मस्ट बी विजिटिंग साइट सीइंग प्लेसेस फेमस पिलग्रिमेज। देखो फेमस यानी होता है प्रसिद्ध, पिलग्रिमेज यानी सबसे ज्यादा जहाँ क्या आते हो? घूमने आते हो। ओके, यहाँ मतलब कौन आते हैं? श्रद्धालु वगैरह आते हैं, वो पिलग्रिम्स यानी श्रद्धालु। एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक स्मारक। ओके, जैसे आपका अगर बात करी जाए तो सोमनाथ है आपका टेंपल, वो क्या है? ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट, वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेसेस लोकेटेड। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी जगह फेमस है ये बताना है। देखिए जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ अशोकनगर की, तो अशोकनगर में एक चंदेरी है जो कि वहाँ की जो साड़ी है, वहाँ की एक फ्रूट है खिन्नी जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है। ओके, वहाँ का आपका म्यूजियम हुआ, हवाई महल हुआ, ओके, खूनी दरवाजा हुआ वहाँ का हमारा, और आपका थुबोन जी हैं जहाँ पर जैन टेम्पल्स हैं वो फेमस हैं। हमारे गांव में एक आनंद ट्रस्ट है जिसका टेंपल बहुत फेमस है, पूरा मार्बल का बना हुआ है वो। ओके, लाइक दैट। तो इसके बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइंड आउट मेनली नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए हिस्टोरिकल और फेमस प्लेसेस कौन कौन से है उनके बारे में लिखना है। देखिए तो पहला अगर मैं बात करूं जो आपकी फेमस प्लेस है, पेक्युलरिटीज मीन्स होता है क्वालिटीज, क्या उसकी क्वालिटीज है। ओके, तो यहाँ पे नाम लिखूं तो वो आपकी जैसे चामुंडा क्या है, चामुंडा देवी का टेंपल है। ठीक है, तो वो कहाँ है? जैसे चोटीला में। ओके,
क्यों फेमस है? ओके, तो वो लिखना है, फॉर इट्स हाइट्स। देखो बहुत ऊंचाई पर बसा है इसलिए फेमस है। तो मैं कुछ आपकी प्लेसेस के नेम लिखूंगा और उनके बारे में आपको, इसमें ये आपका वर्क है उसके बारे में आपको सर्च करके आपको फिल करना है, ओके, फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। जैसे आपका एक और फेमस है आपका बर निंद्रा धाम, ठीक है, ये भी फेमस है आपका। ढोली धाजा, ठीक है, ये भी फेमस है आपका। श्री बदवाला मंदिर, ये भी फेमस है, ठीक है। ओके, अमरनाथ वाटर पार्क, अमरनाथ वाटर पार्क, तो ये फेमस है, ठीक है। ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं सुरेंद्र नगर आपकी, ओके, तो इनके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। मैंने वर्क दिया है आपको। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पिलग्रिमेज प्लेसेस, पिलग्रिमेज यानी श्रद्धालुओं की यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपका आपका वो सब देखो, फतसर गणपति, ये फेमस है बहुत, ठीक है। आपका BAPH, श्री स्वामीनाथ स्वामीनारायण टेम्पल, श्री स्वामी SAWMI स्वामीनारायण टेम्पल, ओके। आपका वृक्ष मंदिर, ओके। आपका रोटरी घर, यहाँ सबसे ज्यादा कौन आते हैं? घूमने के लिए आते हैं। तो ये आपको करना है, ये वर्क है आपका, ओके। मैंने छोड़ दिया है, आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, लेकिन इसको आपको फिल करना है, ओके। तो पेज टर्न करेंगे हम, पेज नंबर 30 पर पहुंचते हैं। ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट, अब यहां पे आप कोई सी भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती है आप वो वाली लिख सकते हैं, ओके। आपको जो अच्छी लगती है, ये इंडिया के बारे में है, यहां इन दोनों में हम इंडिया के बारे में लिखेंगे। जैसे नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट, जैसे मैं आपका हूँ, आपका ताजमहल वर्ल्ड फेमस 7 वंडर्स में आता है ताजमहल। फिर आपका रेड फोर्ट, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका, ठीक है, ये फेमस है। व्हाट दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर? ताजमहल, इट इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड लव, क्या है ये? सिंबल ऑफ लव है, ओके। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इट इज, ये किससे बना हुआ है? मेड ऑफ सैंडस्टोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फेमस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लव, इट इज मेड ऑफ सैंड स्टोन। किससे बना हुआ है? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? रेड फोर्ट है, ओके। ये तो था इंडिया का। आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इट इज
famous for its height. किसके लिए फेमस है? इसकी हाइट के लिए फेमस है. ओके okay? क्योंकि ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू है 182 मीटर. ओके okay? ये दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचा है हाइट में. ओके विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड. आपने जिस पिलग्रिमेज प्लेस इसको विजिट किया हो आप उस प्लेस का नाम लिख सकते हैं. ओके और उसको आपको लिखना है और उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में आपको करना है, फोर्थ वाला भी आपको करना है. इन विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर हेल्ड. फेयर मीन्स मेला लगता है. कौन सी जगह पर आपका मेला लगता है उस जगह का नाम लिखना है. ठीक है. विच ऑफ द वर्थ सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट. तो कौन सी प्लेसेस हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट की वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, मीन्स पैसा यहाँ पे खर्च होता है, मीन्स लोग पैसा खर्च करके वहाँ पे जाते हैं, तो उन प्लेसेस का नाम लिखना है. तो ये होमवर्क है आपका, आपको करना है. आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं. ओके एक्टिविटी आपको पेज नंबर 31 पर. विच प्लेसेस हैव यू डिस्कस अबाउट. विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ वंस यू हैड डिस्कस. तो ये तो आपको करनी है, एक्टिविटी है. जैसे विच प्लेसेस हैव यू डिस्कस अबाउट, तो हमने जैसे स्वामीनाथ टेम्पल हुए, वाटर पार्क हुआ, हाँ आपका चामुंडा देवी टेम्पल हुआ, गणपति टेम्पल हुआ, फतसर, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया है. विच प्लेसेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ द वंस यू हैड डिस्कस. इनमें से कौन सी प्लेसेस हैं जिन पे आप कम से कम एक बार क्या करने गए हो, विजिट करने गए हो. ओके नेक्स्ट है विच प्लेसेस डू यू विश टू सी. कौन से प्लेसेस को आप देखना चाहते हो, आपका जो भी विश हो. जैसे आप रेड फोर्ट को देखना चाहते हैं, ताजमहल को देखना चाहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखना चाहते हैं, जिसको भी आप देखना चाहते हो उस प्लेसेस का आपको नेम लिखना है. कलेक्ट अ कैलेंडर डायरी और पंचांग. आपको इनका कलेक्शन करना है. अब देखिए नीचे है राइट वाले कॉलम में हम पढ़ेंगे. Prepare a list of festivals celebrated during a year in the table below. तो देखिए जैसे न्यू ईयर है, भाई बीज हो गया, आपका छठ पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, ठीक है, दिवाली हो गया, ये बहुत फेमस है आपके, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, रक्षा बंधन, ठीक है, आपका रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया आपका, ठीक है, होली, इंडिपेंडेंस डे आपका, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, ठीक है, पोंगल आपका तमिलनाडु में, ओणम केरल में, ठीक है, आपका वैसाखी हो गया, वैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, छठ पूजा आपका बिहार में फेमस है, ठीक है, आपका नवरात्रि ये पश्चिम बंगाल में फेमस है. किसमें फेमस है? नवरात्रि पश्चिम बंगाल में फेमस है आपकी बहुत ज्यादा. ओके रथ यात्रा ये आपका उड़ीसा में फेमस है, जगन्नाथपुरी के, मीन्स भगवान जगन्नाथ की यात्रा करते हैं, ठीक है, रथ यात्रा. ओके नवरात्रि, वैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू ये असम में फेमस है. ओके आपका महावीर जयंती, महावीर जयंती ये जैनियों में फेमस है, ठीक है, आपका और गुरु नानक जयंती फेस्टिवल्स है ये भी एक प्रकार के, ठीक है,
बैसाखी हो गया आपका, नवरात्रि हो गया आपका, होली, रक्षाबंधन, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ठीक है आपका। और इंडिया में तो पर डे के फेस्टिवल हैं आपके आप, लेकिन ये जो कुछ फेमस हैं वो यही है। ओके, रथ यात्रा भी हो, नाग पंचमी, नाग पंचमी, ठीक है आपका, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है आपका, गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। इस दिन आपके क्या हुए थे, भगवान शंकर की शादी हुई थी। ठीक है, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ओके, इस दिन आपका, ये जुलाई में पड़ती है, 14th, सॉरी जुलाई में नहीं, आपका जनवरी में, 14th जनवरी फिक्स है इसका टाइम। मीन्स ये पहला फेस्टिवल है जो फिक्स डेट पे आपको मनाते हैं हम, अदरवाइज बाकी सारे डे जो फेस्टिवल है उनकी डेट चेंज होती रहती है। ओके, एक और बचा, आप लिख सकते हैं कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे, आपके गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका फेमस हो उसको आप लिख सकते हैं। ओके, ये जो है आप देखिए, क्लासिफाइड द फेस्टिवल डेट वाइज, तिथि वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, डेट वाइज एक ही फेस्टिवल हमने, जैसे आपका डेट वाइज में आप ले सकते हैं, देखिए रिपब्लिक डे आपका, ठीक है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, मकर संक्रांति, ये चार फेस्टिवल है, इनकी डेट फिक्स है। ओके, तिथि वाइज में आपका जैसे अमावस्या को होली निश्चित है, दिवाली निश्चित है। ओके ठीक है, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी के दिन फेमस है, मीन्स चतुर्थी के दिन पड़ती है, तिथि है वो। हाँ आपकी रामनवमी तो 9 को पड़ती है, दशहरा आपका। ओके, एक और फेमस तो फेस्टिवल रही है, इसमें हमने नहीं लिखा है, इसमें हम लिख देते पेज नंबर में, दशहरा, दशहरा, ठीक है ये आपका बहुत फेमस है दशहरा। ठीक है, तो आपका डेट वाइज हम लिख देते हैं कौन कौन से हैं, डेट वाइज जो फेस्टिवल है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से हैं आपका, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है इंडिपेंडेंस डे अभी गया 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है आपका, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ओके, मकर संक्रांति आपका, आपका 14 जनवरी को संक्रांति। ठीक है, तिथि वाइज आपका जैसे दिवाली, होली या अमावस्या को पढ़ते हैं, ठीक है आपका दशहरा 10 को ही पड़ता है। ठीक है, फिर आपका आ जाओ नवदुर्गा, मीन्स नवरात्रि, ये भी आपके पड़ती हैं, गणेश चतुर्थी, डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज। डे वाइज आपके जो पढ़ते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है इसमें बाकी के आप फेस्टिवल लिख सकते हैं। ओके, अब डिस्कशन करेंगे हम इसमें, देखिए विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के रूप में 3 ही फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो है आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती को ही हम क्या करते हैं, नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आपके।
व्हाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, क्योंकि देखिए 15th जो आपके अगस्त है इट इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमको हम क्या हुए थे फ्री, मीन्स जो आप हम गुलाम थे फिर उसके अंग्रेजों के, 15 अगस्त को हमें उनसे क्या मिली थी आज़ादी, फ्रीडम मिली थी, ओके, पूर्ण स्वराज मिला था हमें, इसलिए हम उसको सेलिब्रेटेड करते हैं। और जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हमें इस दिन क्या मिला था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इस दिन लागू हुआ था, दैट्स वाई वी सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, ओके। और आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, क्योंकि ये हमारे इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ओके, इसलिए 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट। विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय पीपल, तो एक तो नेशनल फेस्टिवल्स, दूसरे आपका होली दिवाली, ये ऑल इंडिया में फेमस है, आपका नव दुर्गा ऑल इंडिया में फेमस है, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है। विच फेस्टिवल आर एसोसिएट विथ बिजनेस, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो वो है दिवाली, यहाँ लोग अपना नया काम कारोबार, नई नोटबुक वगैरह, खाते वगैरह सारे चीज़ें इसी से चालू करते हैं, ठीक है, आपका फिर आप ले सकते हो। विच फेस्टिवल आर एसोसिएट विथ बिजनेस, फिर आपका आ जाओ गणेश चतुर्थी, इसमें जो गणेश जी हैं इनकी मूर्तियाँ, नवरात्रि इसमें माँ दुर्गा की, इन दोनों की मूर्तियाँ ही बनाकर बेची जाती हैं, तो ये भी बिजनेस रिलेटेड है, ओके। हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर, देखिए एक तो जो सारे फेस्टिवल हैं वो आपके डेट वाइज अलग है, तिथि वाइज अलग है, और उनका जो सेलिब्रेशन है वो भी अलग तरीके से होता है, और उनका पीछे जो मनाने का रीज़न है, उद्देश्य है, वो भी क्या होता है अलग होता है। तो हर फेस्टिवल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक उसका क्या वैल्यू है, मोरल है उसका, उसका रीज़न है, तिथि है, ओके, इस तरीके। अब हम रीड करेंगे इसमें, यू ऑल मे हैव बीन टू बी अ फेयर, ओके, यू हैव लर्न्ड अबाउट द फेयर इज प्रीवियस स्टैंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट रीजनल लोकल फेयर्स। देखिए फेयर मीन्स मेला होता है, जो कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम पर इन कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्या लगाया जाता है, फेयर लगाया जाता है, उसको हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो कुछ आपके नेशनल फेयर होते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान में पशु मेला लगता है, तो वो नेशनल फेयर है, फेमस है, पूरा पूरा वर्ल्ड फेमस है वो आपका, ठीक है। कुछ आपके लोकल फेयर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लगता है नागपंचमी का मेला, आपके यहाँ पे लगता है, ठीक है। फेयर्स माइट हैव बीन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, थान में होता है, थान में होता है, हाँ। मोस्ट ऑफ अवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज एट अ पिलग्रिमेज एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल, तो ये आपके ड्यूरिंग फेस्टिवल के टाइम पे ही मनाए जाते हैं। नोट डाउन द नेम ऑफ प्लेस वेयर द फेस्टिवल आर हेल्ड, ओके, तो आपको नोट डाउन करना है कौन कौन से आपके आपके जो फेयर्स हैं वो सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, मनाए जाते हैं आपके, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, जो आपको वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है आपको, ओके, और फिल करके सेंड करना। आपको बता दूं आपके 5 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के हैं, तो बी केयरफुल, आप सभी को एक अच्छे तरीके से अपना वर्क कंप्लीट करना है, उसको सबमिट करना है, ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको पूछ लेना है, ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूँ आपके टेस्ट के बारे में, आपको टाइम टेबल भी मिल चुका है, सो बी केयरफुल अबाउट एंड बी प्रिपेयर, अपना प्रिपरेशन करिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।